ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और ये बात नेतन्याहू को अच्छी तरह पता है कि अगर वो ईरान के संवेदनशील ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है और इसलिए उसने अमेरिका से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस की भी अब इस युद्ध में एंट्री हो गई है, क्योंकि उधर अमेरिका इसराइल को हथियारों की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि पुतिन ने ईरान को इसराइल के हमले से बचाने के लिए अपने लड़ाकू जहाज से लेकर सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तक सप्लाई कर दिए हैं। रूस की ईरान और उसके मिलिशिया गुटों को लेकर हमदर्दी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस अब मिडिल ईस्ट में भी अपने पांव पसारने लगा है। इसी कड़ी में रूस ने ईरान और उसके सहयोगी गुटों को अपना सैन्य समर्थन देने में इजाफा किया है, साथ ही अपने ज्यादा एडवांस हथियारों को सप्लाई करने पर विचार कर रहा है। जिससे ईरान और इसराइल के बीच का टकराव और भी बद से बदतर हो सकता है। बताया जाता है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं, वे बदले में ज्यादा शक्तिशाली हथियार हासिल करने का एक जरिया भी हो सकता है। एडवांस एंटी शिप मिसाइलें, लेटेस्ट एयर डिफेंस और SU-35 फ्लैंकर एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट, जिसका ईरान लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान ने रूस को SU-35 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। वह S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस भी चाहता है, ताकि वह इसराइल की बेहतर मिसाइलों और वायुसेना का सामना कर सके। अगर ये सभी सौदे आगे बढ़ते हैं तो रूस ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया की सैन्य ताकतों को बढ़ाएंगे। बिजनेस इंसाइडर को दिए इंटरव्यू में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एयर पावर और टेक्नोलॉजी के सीनियर रिसर्च फेलो ने बड़ी जानकारी दी है। जस्टिन ब्रोंग ने कहा कि ईरान को SU-35S की डिलीवरी में समय लगेगा, साथ ही फ्लाइट क्रू को ट्रेनिंग देने, आवश्यक बुनियादी ढांचे और ग्राउंड सपोर्ट तैयार करने में भी समय लगेगा। इनमें से कोई भी इजरायली हमले की योजनाओं को तुरंत प्रभाव से प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि इसराइल ने 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमलों का जवाब देने की कसम खाई है। तब से ईरानी मीडिया में दावा किया गया कि रूस ने पहले ही SU-35 का एक स्क्वाड्रन और S-400 की सप्लाई कर दी है। हालांकि ईरानी सेना की ओर से अब तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। माना जाता है कि SU-35 मिलने से ईरान की पुरानी वायुसेना कुछ हद तक एडवांस हो जाएगी। दावा किया जाता है कि ईरान को साल 1990 के बाद से एक लड़ाकू जेट नहीं मिले हैं। साथ ही इससे ईरान को अपने एयर स्पेस की रक्षा करने की ताकत में भी इजाफा होगा। बावजूद इसके अरब देशों के पास ईरान के मुकाबले में कहीं अधिक लेटेस्ट लड़ाकू विमान है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की माने तो रूस की ओर से समय पर डिलीवरी को ईरान के लिए ताकत के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि यह माना जाएगा कि ईरान इजरायली हमलों के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकता है। यह एक इमरजेंसी डिलीवरी की तरह लगेगा। इसका ईरान की छवि पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ईरान रूसी जेट और अन्य सैन्य संपत्तियों के बिना खतरे को टालने में असमर्थ है। ऐसी कम संभावना है कि रूस ईरान को एडवांस S-400 की सप्लाई करेगा। यूक्रेन पर युद्ध के कारण रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव है। रूस को अपने गोला बारूद डिपो को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाने अपने सभी हवाई रक्षा प्रणालियों की जरूरत है। इसके अलावा रूस यमन के हूती विद्रोहियों को एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सप्लाई पर चर्चा कर रहा है। P-800 की रेंज 186 मील है और यह रास्ते में समुद्र की सतह को छूते हुए काफी नीचे उड़ान भर सकती है। ये बाकी एंटी शिप मिसाइलों की तुलना में अधिक एडवांस है।